बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान, आज हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड पर। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड कैसे लगाते हैं, कीवर्ड की सर्च हमेशा रेलेवेंट रहती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जहां पर कीवर्ड्स की सर्चेस के ऊपर भी गूगल ने चेंजेस लाई, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। आपको कीवर्ड फाइंड करने का तरीका बताएंगे। कीवर्ड फाइंड करने के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि आपने कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करनी है। आज का जो सबसे पहला बात मैं बताऊँगी, कीवर्ड्स होता क्या है। कीवर्ड वो रिलेटिव वर्ड, वो फ्रेज़ जिसके लोग सर्च करते हैं गूगल के थ्रू कोई भी अपनी क्यूरी फाइंड करने के लिए, कोई भी चीज़ को फाइंड करने के लिए। यानी कि आप ये वर्ड ले सकते हैं कि कोई भी चीज़ को तलाश करने के लिए जो गूगल पर वर्ड लिखा जाता है उसको हम कीवर्ड का नाम देते हैं। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि क्या कीवर्ड हमेशा रेलेवेंट रहता है, जो आप कीवर्ड यूज़ करें रेलेवेंट रहता है। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे 2006 में आपने जो कीवर्ड यूज़ किया तो उसमें कीवर्ड स्टफिंग का गूगल ने अलाउ किया था कि आप जितने मर्ज़ी कीवर्ड एक ही लाइन में लिख सकते हैं, आपको उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। जैसे 2006 में ये होने के बाद जैसे क्रॉलर इसने गूगल ने अपना एल्गोरिथम चेंज किया तो उसने कीवर्ड स्टफिंग का नाम दे दिया इसको। और जब कीवर्ड स्टफिंग होती है तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपकी जो है वेबसाइट को डी रैंक कर दिया। 2006 में कीवर्ड स्टफिंग अलाउ थी और उसके बाद जैसे ही नया एल्गोरिथम आया तो गूगल ने इस कीवर्ड स्टफिंग की वजह से जो है वेबसाइट्स को डी रैंक कर दिए। अब मैं अब आगे बात करता हूँ कि कीवर्ड्स को लगाते कैसे हैं। दो तीन तरह के आप कीवर्ड्स को चूज़ करते हैं। एक होता है जी सिंगल वर्ड कीवर्ड, यानी कि जिसमें सिंपल एक हेड में यूज़ होता है। हेड बेसिकली आपका सबसे पहला जो स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसे आप टाइटल स्टार्ट कर देते हैं वो आपका हेड वर्ड कहलाता है। वो आपने सिंगल कीवर्ड रखना है, सिंगल कीवर्ड और हाई जो उसकी सर्चेज होनी चाहिए और उसका ट्रेंड जो हाई सर्चेज होंगी और वो स्टार्ट में आप हेड में रखें। उसके बाद जो बॉडी आती है कीवर्ड की, बॉडी का मतलब होता है कि नेक्स्ट आप कौन से कीवर्ड्स, फिर टू वर्ड्स के कीवर्ड्स यूज़ करें। यानी कि एक पहला सिंगल वर्ड होगा, दूसरी दफ़ा जब आप कीवर्ड करेंगे तो टू वर्ड्स कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और टू वर्ड्स के बाद हमारे पास आता है लॉन्ग टेल, ठीक है। और वो लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं वो फोर से लेके अप टू वर्ड जितने भी कीवर्ड्स को इकट्ठा करके जो बनाया जाता है वो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि प्रॉपर्टी एक जो है कीवर्ड है, वो सिंगल वर्ड है, वो बॉडी के तौर पे यूज़ हो रहा है। मैं दूसरा वर्ड यूज़ किया DHA प्रॉपर्टी, ये बॉडी के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसमें दो वर्ड यूज़ हुए DHA और प्रॉपर्टी। इसी तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड की मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उसमें आपने DHA प्रॉपर्टी इन लाहौर का वर्ड यूज़ किया तो यहाँ पे चार वर्ड्स और इससे भी ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बन गए। अब यहाँ पर मैंने आपको सिंगल कीवर्ड भी बताया, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे टी शर्ट एक कीवर्ड हो गया, ब्लू टी शर्ट दो वर्ड्स के साथ एक कीवर्ड बना जिसको बॉडी का नाम दिया मैंने। लॉन्ग टेल जो है आप ब्रांड का नाम साथ यूज़ कर लें तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाएगा। ब्लू टी शर्ट्स कोई भी ब्रांड लिख लें, नाइकी जो भी लिख लें आप, वो आपका तीन वर्ड का या कोई भी वर्ड्स को आप ऐड कर लेंगे तीन वर्ड या चार वर्ड से ऊपर चला जाता है तो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाता है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि आपने ये मैंने कीवर्ड्स के बारे में बताया, अब कुछ कीवर्ड्स गूगल ख़ुद भी सजेस्ट करता है जिसको LSA कीवर्ड कहते हैं। जैसे आप गूगल में कुछ लिखेंगे तो नीचे सर्चेस में ऑप्शंस आती हैं कि आप ये तो नहीं फाइंड करें, आप ये तो नहीं फाइंड करें, आप ये तो नहीं फाइंड करें। वो भी कीवर्ड्स आपको सर्च करने में या रैंक होने में बड़ी मदद देते हैं, तो आप उन कीवर्ड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप उसको मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं और ये एक पूरा तरीकाकार होता है। इसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स एक स्पेसिफिक ब्रांड के नाम पे जिसके के थ्रू आप डायरेक्ट वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं वो होता है नेविगेशनल कीवर्ड। जैसे RM मार्केटिंग, ये RM मार्केटिंग के जब मैं सीधा लिखूंगा वर्ड तो ये डायरेक्ट वेबसाइट को टारगेट कर रहा होगा, वो वेबसाइट का रास्ता। जैसे लीड स्टेट्स मैं वर्ड बोलूँगा तो वो सीधा प्रॉपर्टी की वेबसाइट को डिस्कस कर रहा होगा। इसी तरह एप्पल कंप्यूटर्स को मैं लिखूँगा www.apples.com जो भी एप्पल्स की डिवाइसेस पे है तो वो उसको ओपन कर देगा। तो एक जो नेविगेशनल कीवर्ड होता है वो डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा कीवर्ड है जो आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। आपने ये बड़ा ध्यान रखना है कि आपने कौन सा कीवर्ड कहाँ पे यूज़ करना है। अब देखें आपने ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पे आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यूज़ ना कीजिएगा। अगर आप उस वहाँ पर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यूज़ करते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी वेबसाइट से लोग आके परचेजिंग करें। ये तो हो सकता है कि आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाए क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट पर ट्रैफिक के साथ साथ हमें सेल्स चाहिए होती है, तो ये चीज़ों का ख्याल करना है आपने।
फिर जी इन्वेस्टिगेशनल होता है कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता है। फिर ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स होते हैं जो ट्रांजेक्शन्स करवाते हैं, जैसे आप, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ट्रांजेक्शन में जैसे कोई डिस्काउंट फाइंड कर रहा होता है, डिस्काउंट के साथ आपको मैं बता देता हूँ, सर्च फॉर डिस्काउंट्स के ऊपर आ गया, सेल्स के ऊपर वर्ड आ गया, ये जो होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। बेसिकली मैं ई कॉमर्स वेबसाइट को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि जितनी भी साइट्स हैं उनका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि वहाँ से सेल जनरेट हो। तो सेल्स जनरेट होने के लिए आपको ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा। अब देखें, मैंने सेल्स वर्ड यूज़ किया तो ये सेल्स खुद भी एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। तो जैसे ही आप इसको अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे या उसको एज ए कीवर्ड के तौर पे लेंगे तो सेल्स को, तो वो ऑटोमेटिक आपका जो है इम्प्रूव कर जाएगा। इसके बाद जो तीसरी हमारे पास ऑप्शंस आती हैं कि जैसे 2017 की अपडेट आई तो जिसमें नाउ जो भी वर्ड जब भी यूज़ होगा तो वो इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए इस्तेमाल होगा। डू वर्ड यूज़ करेंगे, ये गूगल कह रहा होता है कि डू जब भी वर्ड यूज़ करेंगे वो जो होगा आपका एक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। और उसके बाद हमारे पास जो है वेबसाइट स्पेसिफिक जैसे नेविगेशन वर्ड्स हैं तो वेबसाइट जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट वेबसाइट्स का। अच्छा, एक और भी बात बता दूं कि क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली अब जो है गूगल का जो नया एल्गोरिथम है, यहाँ गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो। मोबाइल फ्रेंडली का सबसे बड़ा मकसद ये है कि मोबाइल फ्रेंडली होने का मकसद ये है कि क्योंकि लोग जो ज़्यादा यूज़ करें मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। अब मोबाइल को यूज़ करने से क्या होता है कि अब गूगल ने अपडेट दी है कि वॉइस सर्चेस को इम्प्रूव किया जाए। आपकी वेबसाइट पे वॉइस सर्च के साथ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर कोई लीड स्टेट बोले या आर एम मार्केटिंग बोले, कोई भी जैसे thinkyoubuy.com बोले, कोई भी वेबसाइट बोले, तो आपकी वेबसाइट को ओपन होना चाहिए। तो वॉइस सर्चेस इन फ्यूचर काउंट होंगी और शॉर्ट वीडियोज़ इन काउंट होंगी। अब वीडियोज़ का भी बड़ा इम्पेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए जो आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं वो कैसे करने हैं। अच्छा, सोशल साइट्स भी होती हैं जहाँ पर आप हैशटैग के तौर पे अब यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो हैशटैग्स बड़े काउंट हो रहे हैं, इनके थ्रू एक पूरी साइकोलॉजी क्रिएट की है कि आप हैशटैग के थ्रू अपनी चीज़ को परचेज कर सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रन कर रहे हैं और वेबसाइट नहीं बना रहे तो आप अपने नाम का टैग को या अपने नाम के जो है टैग जो है उसको इम्प्रूव करें। लोग आपके नाम के टैग को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया करें। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का लेसन। इसमें अगर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद मैं आऊँगा, आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताऊँगा कि आप वेबसाइट के स्ट्रक्चर में किस तरह कर सकते हैं, उसमें कैसे कीवर्ड्स लगाने हैं आपने, कौन सा कीवर्ड होम पेज पे आएगा, क्योंकि आज हमने कीवर्ड्स को डिस्कस किया आप इसके ऊपर। हाँ जी, कुछ टूल्स भी बता दूँ जो फ्री में आपको यूज़ आ जाएंगे आपके इस्तेमाल में। अगर आपने एशरेफ, सेमरेश, ठीक है, और गूगल कीवर्ड प्लानर, और इसके साथ आप जो है मॉज, इन चारों को यूज़ कर सकते हैं एज अ कीवर्ड प्लानर के तौर पे और कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। इसके बाद जो है अब फ्री में जो LSA कीवर्ड्स के बारे में बताया, तो LSI ग्राफ के नाम से एक टूल है जो LSI कीवर्ड्स को जनरेट करके देता है। आप वहाँ से उसको जनरेट करें, अपने कीवर्ड्स की पोजीशन सेट करें ताकि आप जो है एक अच्छे जो है SEO एक्सपर्ट बन जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर यू मनीष।